दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं, एक नई एनालिसिस के साथ उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो डिस्प्ले पे डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़कर ही आगे बढ़ें ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। दोस्तों, इसके साथ एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी ही चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ, जो स्टॉक ना ही डेट फ्री है बल्कि एक बढ़िया वैल्यूएशन पर मिल रही है। दोस्तों, आगे इस पर संपूर्ण चर्चा करें उसके लिए आप बने रहिए। दोस्तों, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय से उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से उनका ज्ञान अपग्रेड हो सके, अपडेट हो सके। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल के क्षेत्र में एक अच्छा खासा नाम है और इसको लगभग सभी लोग जानते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको जियोजीत फाइनेंशियल के बारे में पता होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग भी टीवी देखते हैं, सीएनबीसी आवाज़ देखते हैं, टीवी 18 देखते हैं, उस पर अक्सर इसके रिप्रेजेंटेटिव आके उस पर अपना मत देते रहते हैं, अपना एनालिसिस देते रहते हैं, अपनी बातचीत करते रहते हैं, तो इस तरह से आप इससे परिचित होंगे कि ये जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम की भी कोई कंपनी फिनांस के सेक्टर में है। दोस्तों, यह कंपनी ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड करती है, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है, फिनांशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम करती है और इससे रिलेटेड और जो भी छोटे मोटे काम है फिनांस से संबंधित, वो सभी जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज काम करती है। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूँ इसके फाइनेंशियल्स की, इसके फाइनेंशियल्स इंडिकेटर को देखना चाहता हूँ। इसका जो मार्केट कैप है मात्र 450 करोड़ के आसपास है और इसका बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 21.55 रुपया के आसपास है। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ कि ये जो फाइनेंशियल्स एनालिसिस हो रहा है, स्टॉक एनालिसिस हो रहा है, यह 18.80 रुपया के रेट पर हो रहा है और उसके हिसाब से ही आपको जो भी हम बात करेंगे उसी के संदर्भ में होगा, उसी के सापेक्ष में होगा। दोस्तों, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया है और आज के डेट में स्टॉक 11.93 के पी पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो 40 रुपया का हाई और 14.90 रुपया का इसका लो है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 8% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। कंपनी ने 2020 में ऑलरेडी 1.5 रुपया का डिविडेंड पे कर दिया है, जो 8% का डिविडेंड बहुत ही बढ़िया डिविडेंड कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसका सेल्स ग्रोथ जो है लगभग 5.5% के आसपास है। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करूं तो टोटल इसका जो रेवेन्यू इनकम था वो 318 करोड़ के आसपास था, जिसमें 1.5 रुपया का EPS इसने जनरेट किया था। और अगर दिसंबर की बात करूं तो इसने 59 पैसा का EPS जनरेट किया है और 73 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू रहा है। अगर 59 पैसा पर क्वार्टर, एवरी क्वार्टर अगर ये जनरेट कर पाता है तो लगभग 2.40 रुपया के आसपास इसका EPS एक साल का होता है। अगर उस हिसाब से देखें तो लगभग 8 के PE मल्टीपल पे आपको ये शेयर मिल रहा है। दोस्तों, इसके अलावे एक जो BSE पे डिस्प्ले हो रहा है डाटा, उसके हिसाब से कंपनी के पास 373 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश सरप्लस है, कैश इक्विवेलेंट है। दोस्तों, 450 करोड़ की कंपनी में 373 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना कंपनी का स्ट्रांगनेस दिखाता है, कंपनी का मजबूत फाइनेंशियल्स दिखाता है। इन सब के बाद जो अभी तक मैं नहीं बताया हूं आपको वो ये है कि कंपनी पूर्ण रूप से डेट फ्री है। हाँ दोस्तों, कंपनी डेट फ्री कंपनी है और उसके पास कैश रिच है, ये आप समझ ही गए होंगे, और कंपनी फाइनेंस के सेक्टर में है, अर्थात इसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपके लिए जनरेट करने की क्षमता है। दोस्तों, अगर बात करें
शेयर होल्डर की। इससे पहले मैं आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से उनका ज्ञान अपडेट हो सके। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, मेरा जानकारी अच्छा लगता हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इसको कमेंट करके मुझे अपने भावनाओं से अवगत कराइए, अपने विचारों से अवगत कराइए। दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। तो इसमें प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 62.21% है, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग दिखाता है। और अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो 0.36% के आसपास म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, जिसमें इसने 0.2% के आसपास अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। DII की बात करें तो 1.03% होल्डिंग है, जिसमें लगभग आधे परसेंट के आसपास DII ने अपनी होल्डिंग कम करी है। और अगर FII की बात करें तो उसका 1.31% होल्डिंग है, जिसमें उसने भी लगभग 1% से ज़्यादा की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में कम करी है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे इंडिया के इन्वेस्टमेंट गुरु हैं और इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, उनका शेयर होल्डिंग इसमें लगभग 7.57% के आसपास है, जो एक बहुत ही गुड साइन है इस कंपनी में, उनका विश्वास दिखाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला को निवेश गुरु कहा जाता है, भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है, अर्थात उनकी इतनी बड़ी होल्डिंग इस कंपनी में है तो जरूर ही कुछ खास बात होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको याद दिलाऊं कि पिछले 5 साल से कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है और अच्छी डिविडेंड पे कर रही है, इसलिए जो 15 रुपये से 18 रुपये 19 रुपये तक का जो इसका रेट है जियोजीत फाइनेंशियल्स का, यह इंटर के लिए बहुत अच्छा रेट है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको यह फार्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा कि राइट टाइम टू इंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट। सब शेयर बढ़िया हो सकता है, सब शेयर आपको पैसा कमा के दे सकता है, अगर आप राइट टाइम पे इंटर करें और राइट टाइम पे एग्जिट करें। यही इस पूरे मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी सभी अच्छे शेयर है, लेकिन IOCL इतना अच्छा शेयर है, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है, लेकिन जो आदमी 250 में उसको खरीदा होगा वो रो रहा होगा। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इंटर गलत टाइम पे कर गया, इसलिए आज वो लॉस पे है। लेकिन अभी 75-70 रुपया में जो आदमी इंटर करेगा वो कैसे भी कुछ कमा के निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे एंट्री की है। इस तरह से जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है हमारे नज़र में, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही आसानी से यहां से डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है भविष्य में। दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरे वीडियो के आधार पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कदापि न करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से संपर्क करके ही इस पर कोई डिसीजन लें। दोस्तों, इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार पुनः कहता हूँ कि इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में एक अगले एनालिसिस के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।